भारत के बाद अब चीन ने भी डिजिटल स्ट्राइक किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की सरकार ने 105 ऐप पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों की मशहूर ऐप पर रोक लगा दी है। उन्हें तुरंत ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस साल भारत ने 4 बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। मोदी सरकार ने हाल ही में 43 मोबाइल एप्लीकेशंस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। लद्दाख में सीमा विवाद के बाद से भारत कई चीनी ऐप्स का धंधा चौपट कर चुका है। इनमें टिकटॉक, पबजी और यूसी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप भी शामिल हैं। चीन ने ऐप पर क्यों लगाई रोक? चीन ने अमेरिका के ट्रैवल फर्म ट्रिप एडवाइजर समेत 105 ऐप्स को देश के ऐप स्टोर से हटा दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नए अभियान के तहत ये रोक लगाई गई है। ऐप्स पर अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति, जुआ और हिंसा जैसी सामग्री फैलाने का आरोप है। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर दिए बयान में बताया है कि इन ऐप ने बिना जानकारी दिए 1 से ज्यादा साइबर कानूनों का उल्लंघन किया। भारत भी लगा चुका है कई ऐप पर प्रतिबंध। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने 4 बार चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2020 को 43 चीनी ऐप को बैन किया था, जिनमें 15 डेटिंग ऐप शामिल थे। भारत सरकार ने इससे पहले 2 सितंबर 2020 को भारत में 118 चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया था। इससे पहले लोकप्रिय टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीयों का डेटा चुरा रहे थे चीनी ऐप्स। भारत के खिलाफ खुफिया तंत्र और सिक्योरिटी एजेंसियों को इन ऐप्स के बारे में कई शिकायतें मिली थी। कई ऐसी रिपोर्ट्स मिली थी कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रही हैं और उन्हें लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तक अवैध रूप से पहुंचा रहे हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा।